हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्यूटीफुल। आज मैं आपको ऐसे 10 हैक्स बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। चलिए आपको 10 हैक्स बताते हैं जो आपकी लाइफ बहुत आसान करने वाली है। आपको ऐसे हैक्स बताऊंगी कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप धूप में बाहर निकलते हैं तो आपको मेकअप करना ज़रूरी रहता है, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि मेकअप ज़्यादा नहीं करना है। यस, मेकअप आपको गर्मियों में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके, ठीक है। सनस्क्रीन को बिल्कुल लगाना भूलना नहीं चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन के साथ अगर आपको मेकअप करना बहुत ज़रूरी रहता है तो आप वाइटनिंग क्रीम उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं, जिससे आपका मेकअप ऑन करना ज़रूरी लग रहा है तो मेकअप के ऊपर जब हम फाउंडेशन लगाते हैं उसके ऊपर आप पाउडर जरूर लगाना मत भूलिएगा। इससे आपका मेकअप सेट रहेगा और गर्मियों में पसीने से बाहर मेकअप नहीं आए। दोस्तों, शादियों का सीज़न आ रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा मेकअप उतर ना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मेकअप उतरे ना, तो आपको मेरे टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको 2 आइस क्यूब लेना पड़ेगा और डायरेक्ट नहीं, क्यों ब्यूटिशियन लोग होते हैं वो लोग डायरेक्ट कि उनको तरीका पता होता है कि कैसे हम यूज़ करें। जैसे कि वो लोग डायरेक्ट बर्फ यूज़ करते हैं, कहाँ क्या कितना यूज़ करना चाहिए उन्हें पता है, लेकिन हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है, वो लोग तो एक्सपर्ट होते हैं। तो हमें एक पतली सी चुन्नी ले लेनी है, जैसे इस प्रकार की चुन्नी ले लेनी है। आप उसी में बर्फ डाल देना है, 2 क्यूब्स ले लेने हैं और चुन्नी में कर फिर बर्फ़ को ऐसे ऐसे कर पूरे स्किन पर लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेकअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो मैं हैक्स बताने वाली हूँ वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। देखिए दोस्तों, तो गर्मियों में आई मेकअप अवॉइड करना है, आई लाइनर, आई मस्करा ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इससे पसीने से वो सब बाहर आ जाएगा और आपका मेकअप बहुत ख़राब लगे। अच्छा है कि आप ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मेकअप करते हो, आपका मेकअप को और अपने मेकअप को और ग्लो देना है, तो मेकअप से पहले वाइटनिंग क्रीम लगाएं। वाइटनिंग क्रीम आप जो भी डेली बेसिस क्रीम यूज़ करते हैं डेली, वो सब भी लगा सकते हैं। इससे आपका जो मेकअप रहेगा वो निखर के बाहर आएगा। अगर आपके पास डार्क फाउंडेशन है, आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उसको इधर उधर पड़ा है, वो आप उसको यूज़ में ला सकते हो। आपको डार्क फाउंडेशन में वाइटनिंग जो क्रीम होता है उसको मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा लो, जैसे इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गर्मियों में मेकअप कम ही करें तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, फेस वॉश के बाद आपको डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि फेस वॉश करने से हमारा स्किन और ड्राई लगने लगता है, बट ऐसा नहीं है। वो फेस अपना ऑयल छोड़ता है, तो इससे अच्छा पहले आप टोनर लगाएं। टोनर लगा के फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। इससे आपका जो मेकअप रहेगा वो निकल कर आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप लंबे समय तक बना रहे, तो बेस बहुत ज़रूरी है उसका अच्छा होना। अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह उठते हैं देखते हैं कि काम के लिए बाहर जाना हो, आपको जाने में इच्छा नहीं हो रही है कि मैं इस पिंपल को लेकर कैसे जाऊं, तो आप सुबह उठते ही जो आपकी जो सलाइवा होती है, जो पहली थूक होती है बिना ब्रश किए बिना पानी पिए, वो आपको थोड़ी सी ले लेनी है और जहाँ पिंपल हुआ है वहाँ पर आपको पिंपल पैच उसी जगह उसके ऊपर लगा लेना चाहिए। आप तो बोलेंगे इससे क्या होगा, लेकिन इससे वो और जल्दी रिकवर करेगा। बहुत कम ही मेकअप गर्मियों में करना चाहिए, जितना हो सके कम करें। और अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो आप बस सिंपल सा पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के बाहर निकल सकते हो और उसके ऊपर लिप पर हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लीजिए, हो जाएगा मेकअप। गाइस देखो, आप लोग सभी जानते हो कि मेकअप तो जब जितने देर तक रहेगा उतना ही देर तक चलेगा, फिर उसके बाद क्या, सिर्फ ऊपर से ब्यूटीफुल नहीं दिखना है, आपको अंदर से भी स्किन को ग्लो करना पड़ेगा, तभी आपका मेकअप और भी बाहर रहेगा। उसके लिए आपको पानी पीना पड़ेगा, अधिक से अधिक आप कोशिश करें पानी पिए, लगभग 8 ग्लास आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। आप यहाँ तक आए, मेरी वीडियो को पूरा देखें,
मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू। मैं